नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं सुनील गोस्वामी, 27 फरवरी 2018 करंट अफेयर सेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम डिस्कस करेंगे। जो भी नेशनल इंटरनेशनल जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पीडीएफ फाइल के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड कीजिए, वहाँ जाके आप ज्वाइन करें और वहाँ आपको सारी की सारी वीडियो 1 से 27 फरवरी तक आपको प्रोवाइड हो जाएंगी। और जो भी दिसंबर और जनवरी की जो मेरी मैगजीन आई थी वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी है मैंने दोनों ही, तो वो वहाँ जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। दिसंबर और जनवरी की जो मैगजीन आई थी मेरी, वो दोनों के दोनों आप डाउनलोड कर सकते हैं जाके। और SK Goswami 143 आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए 9728714677 पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर। देखिए, सबसे पहले देखिए जितिन पॉल का नाम है। कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स में देश का प्रतिनिधित्व कर चुके जितिन पॉल के कमरे से प्रतिबंधित मेलेडोनियम मिलने के बाद नाडा ने जितिन पॉल पर 4 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया। तो जितिन पॉल कॉमनवेल्थ गेम्स में और एशियन गेम्स में देश का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। जितिन पॉल के कमरे से जो चीज़ अलाउड नहीं है जो मेलेडोनियम मिलने के बाद नाडा ने उनको 4 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया, उन पर रोक लगा दी है। आगे देखिए, भारत कोरिया व्यापार सम्मेलन। देखिए, दूसरे भारत कोरिया व्यापार सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। विषय है इंडिया कोरिया के बीच का जो स्केलिंग अप द स्पेशल स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप थ्रू ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट्स। तो ये इसका सब्जेक्ट रहेगा, विषय रहेगा इंडियन कोरियन जो स्केलिंग अप द स्पेशल स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप थ्रू ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट्स। ओके, नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रमंडल शिक्षा मंत्रियों पर 20वां सम्मेलन। तो आयोजन है वो कहाँ होगा, फिजी, नादी जगह है फिजी, वहाँ इसका आयोजन किया जाएगा। इसका विषय है जो क्या है, जो सस्टेनेबिलिटी एंड रेजिलाइंस कैन एजुकेशन डिलीवर। तो दोबारा से देखने, सस्टेनेबल एंड जो रेजिलाइंस कैन जो एजुकेशन डिलीवर है, अनुकूलता एवं लचीलापन क्या शिक्षा कारगर हो सकती है। तो ये इसका विषय रहेगा, राष्ट्रमंडल शिक्षा मंत्रियों का 20वां सम्मेलन कहाँ और आयोजन, नादी फिजी में। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, 23वें शीतकालीन ओलंपिक समाप्त हो चुके हैं। तो इसके अंदर देखिए, अब की बार जो शुभकर था वो क्या था, सुहोरांग सफेद बाघ को बोलते हैं। तो ये शुभकर था अब की बार शुभकर। अब देखिए पदक तालिका देखिए किस प्रकार से है। पदक तालिका में जो टॉप 3 कंट्रीज हैं उनके बारे में देखिए, फर्स्ट पे नॉर्वे, 14 गोल्ड 14 सिल्वर 11 ब्रॉन्ज, टोटल 39। जर्मनी को 14 गोल्ड 10 सिल्वर 7 ब्रॉन्ज, टोटल 31। कनाडा 11 गोल्ड 8 सिल्वर 10 ब्रॉन्ज के साथ 29, टोटल कितने मिले हैं, 29। तो ये तीन टॉप देश थे जो नॉर्वे पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा। भारत के 2 एथलीटों ने इसमें भाग लिया था परंतु पदक हासिल नहीं कर सके। क्रॉस कंट्री स्कीइंग में जगदीश सिंह ने, और जो ल्यूज था उसमें शिवा केशवन ने भाग लिया था ल्यूज में, लेकिन दोनों ने कोई भी पदक नहीं मिला दोनों को। और 24वें शीतकालीन ओलंपिक का बीजिंग में होंगे 2022 में। आगे देखिए, सऊदी अरब द्वारा अपनाए जा रहे सुधारवादी कदमों में एक और अध्याय जोड़ते हुए महिलाओं को सेना में अनुमति प्रदान की गई है। तो सऊदी अरब ने महिलाओं को सेना में अनुमति प्रदान कर दी है शामिल करने की। नेक्स्ट देखिए, माइकल मैकोकरमेक को ऑस्ट्रेलिया का नया उप प्रधानमंत्री चुना गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपको, माइकल मैकोकरमेक को क्या चुना गया है, ऑस्ट्रेलिया का नया उप प्रधानमंत्री चुना गया है। पूर्व उप जो पहले थे, क्या नाम था उनका, बर्नाबॉय जॉइस था, उनके स्थान पे अब कौन आ गए हैं, माइकल मैकोकरमेक। ओके,
तो आज का हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर था, एक बार दोबारा से रिवीजन करा देता हूँ दोस्तों मैं आपको। देखिए जितिन पॉल को नाडा ने 4 साल के लिए प्रतिबंध कर दिया है क्योंकि उनके रूम से मेलेडोनियम नामक एक गलत पदार्थ पाया गया, इसलिए उनको 4 साल का नाडा ने बैन कर दिया। भारत कोरिया व्यापार का दूसरा सम्मेलन हो रहा है नई दिल्ली में। राष्ट्रमंडल शिक्षा मंत्रियों के जो 20वां सम्मेलन वो नादी फिजी में इसका आयोजन किया जा रहा है। अनुकूलता और लचीलापन क्या शिक्षा कारगर हो सकती है, ये इसका विषय है। और 23वें शीतकालीन ओलंपिक समाप्त हो चुके हैं। पदक तालिका में पहले स्थान पे नॉर्वे, दूसरे पे जर्मनी, तीसरे पे कनाडा रहा है। भारत के दोनों एथलीटों में किसी ने भी कोई पदक नहीं जीता है। और 24वें शीतकालीन ओलंपिक बीजिंग चाइना 2022 में होंगे। सऊदी अरब ने द्वारा अपनाए जा रहे सुधारवाई कदमों में एक और अध्याय जोड़ते हुए महिलाओं को सेना में अनुमति प्रदान की गई है। और माइकल मैककॉर्मिक ऑस्ट्रेलिया के नए उप प्रधानमंत्री चुने गए हैं। तो आज का करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों।